हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारी सीमेंट होती है, सीमेंट को हम साइट पर उसकी क्वालिटी किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सीमेंट कैसी है, स्ट्रेंथ कैसी है इसकी, कितनी पुरानी है, किस तरह की हमारी सीमेंट है। एंड फ्रेंड्स, मैं सीमेंट की क्वालिटी साइट पर चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैलाश सिविल इंजीनियर चैनल में। फ्रेंड्स, आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और नई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपकी वीडियो में आप आ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चेक क्वालिटी ऑफ सीमेंट एट साइट। फ्रेंड्स, साइट पर मुझे जो सीमेंट है वो किस तरह चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, वी सी द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ सीमेंट एंड विच गिव्स अस ए सेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना, जो मेरी सीमेंट आई हुई है मुझे सीमेंट का बैग देखना है फ्रेंड्स, और सीमेंट के बैग पर मुझे ये देखना है कि जो मेरा सीमेंट का बैग है उस बैग पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, जो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है उससे मुझे पता लग जाता है मेरी सीमेंट कितनी पुरानी है, और उससे मैं ये पता लगा पाता हूँ कि जो मेरी सीमेंट है वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा समय के साथ जो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो मेरी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और या फिर उसे बोल सकते हैं हम कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैग देखेंगे, बैग पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें सीमेंट के बैग की मैन्युफैक्चरिंग डेट का एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर दिख रहा होगा, जिससे हम देख उसमें हर बैग पर लिखा हुआ होता है कि जो बैग पर मैन्युफैक्चरिंग डेट किस तरह मेंशन है। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर, बैग पर क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, डेट, मतलब जो डेट होगी वो डी से मेंशन होगी। इसी तरह फ्रेंड्स, इस पर दिख रहा है आपको सेकंड नंबर पे होगा मेरा वीक, वो डब्ल्यू से डिनोट होगा उसमें। एंड फ्रेंड्स, थर्ड ऑफ होगा मेरा मंथ फ्रेंड्स, वो मेरा एम से लिख रहा होगा किस मंथ में। फिर उसके बाद होगा फ्रेंड्स ईयर, वो मेरा बाई से होगा। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद होगा परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बैग है ये मेरा फ्लाई एस बेस सीमेंट होगी इसमें, इस वजह से लिखा हुआ है। तो ये होगा मेरा परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस इसमें कितना है। उसके बाद फ्रेंड्स MRP क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक और फोटो दिख रहा होगा जिसमें लिख रहा है फ्रेंड्स डी, डी के आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स 12। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद है मेरा बी, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू के आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कितना 24। एंड फ्रेंड्स, उसके आगे लिखा हुआ है एम, एम के आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा 06 मिस जून। एंड फ्रेंड्स, उसके आगे बाई लिखा हुआ, बाई के आगे लिखा हुआ है 20 मिस, ये 2020 में मेरी जून में 24 में वीक में 12 तारीख को मैन्युफैक्चर हुई है। फ्रेंड्स, फ्लाई एस का जो परसेंटेज है इसमें दिख रहा होगा आपको 25% इसमें फ्लाई एस का परसेंटेज है। एंड फ्रेंड्स, MRP दिख रही होगी इसमें आपको, ₹445 इसकी MRP इस पर दिख रही है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट से पता कर लेंगे कि मेरी सीमेंट कितनी पुरानी है। फ्रेंड्स, जो मेरी सीमेंट होती है सीमेंट जिस समय के साथ उसकी जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है वो आपको बता देता हूँ। अगर यदि फ्रेंड्स आपकी जो फ्रेश सीमेंट है फ्रेंड्स, फ्रेश सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है जो रिड्यूस हो जाती है फ्रेंड्स, वो 0% होती है। मीन्स पूरी जो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर यदि मैं 3 महीने बाद देखूंगा सीमेंट को, तो फ्रेंड्स 3 महीने बाद सीमेंट की 20% स्ट्रेंथ क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 6 मंथ बाद जो मेरी सीमेंट है उसकी 30% स्ट्रेंथ कम हुई होगी। एंड फ्रेंड्स, मैं 12 मंथ की बात करूं मीन्स 1 साल की बात करूं तो उसकी 40% स्ट्रेंथ कम हुई होगी। इसी तरह अगर यदि मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल में मेरी 50% स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो मुझे यूज़ करनी नहीं है एक साल से पुरानी सीमेंट। फ्रेंड्स, अगर मुझे 3 महीने पुरानी भी, हम कोशिश करते हैं 6 महीने पुरानी भी सीमेंट ना करें, कम से कम 3 महीने पुरानी से ज़्यादा सीमेंट हम यूज़ नहीं करते। तो फ्रेंड्स, हम कोशिश करते हैं फ्रेंड्स फ्रेश से फ्रेश यूज़ करें। फ्रेंड्स, फ्रेश सीमेंट मीन्स हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चर होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमने यूज़ कर लिया, हम उसे मान सकते हैं फ्रेंड्स फ्रेश सीमेंट। तो फ्रेंड्स, और नॉर्मली फ्रेंड्स सीमेंट के बैग पे लिखा हुआ होता है कि ये जो मेरी सीमेंट है वो 3 महीने बिफोर 3 मंथ
या फिर आफ्टर 3 मंथ। तो फ्रेंड्स वो उस पर क्लियर मेंशन होता है सीमेंट के बैग पे, जैसे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस बैग पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि ये जो मेरी सीमेंट है ये 3 महीने तक अच्छा काम करेगी, 3 महीने के बाद जब हम इसे यूज़ करेंगे तो लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे। अपने लैब टेस्ट में जब ये मेरी टेस्ट होकर आएगी उसके बाद अगर यदि सैंपल ठीक हुआ, ठीक निकला, तो अब इसे यूज़ करेंगे, वरना इसे यूज हम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं, बैग को अच्छे से देखते हैं हमारा बैग ठीक कंडीशन में है या नहीं। तो फ्रेंड्स ऊपर से नीचे तक हम अपना बैग देखेंगे अच्छे से अलट पलट के कि बैग अच्छी कंडीशन में है, हुक वुक का यूज़ तो नहीं हुआ, कहीं से फट तो नहीं रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि मेरे बैग पे ISI का होल मार्क लगा हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स हमें वही बैग ख़रीदना है जिस बैग पर ISI का होल मार्क लगा हुआ हो। फ्रेंड्स इस बैग पर मेरा ये ISI का होल मार्क लगा हुआ है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम कि जो हमारा बैग है उसमें सीमेंट कितनी है फ्रेंड्स, किस तरह की सीमेंट है। एंड फ्रेंड्स इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे इस पे लिखा हुआ नेट क्वांटिटी 50 किलोग्राम। एंड फ्रेंड्स ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है जो फ्लाई एस बेस्ड है। फ्रेंड्स इसमें फ्लाई एस मिला हुआ है, कुछ परसेंट फ्लाई एस होगा, वो हम देखेंगे कितना। एंड फ्रेंड्स इस पे लिखा हुआ है यूज़ नो हुक। फ्रेंड्स हुक का यूज़ नहीं करना, इससे क्या होता है कि हमारा बैग फट जाता है। एंड फ्रेंड्स ये अल्ट्राटेक सीमेंट है फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चर्ड एट सिकंदराबाद सीमेंट वर्क्स, सिकंदराबाद बुलंदशहर UP। फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में बनी हुई मेरी सीमेंट है। एंड फ्रेंड्स इसके बाद इस पर लिखा हुआ है जो मेरा एक कोड लिखा हुआ होता है कि मेरी जो सीमेंट है कितने दिन के बाद, कितने दिन से पहले अच्छा काम करेगी। तो फ्रेंड्स इस पर लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 3 मंथ फॉर द डेट ऑफ पैकिंग सीमेंट टू बी टेस्टेड बिफोर यूज इफ मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मीन्स 3 महीने से पुरानी अगर सीमेंट हो जाए तो हमें लैब टेस्ट कराना है, उसके बाद स्टैंडर्ड चेक करके तब इसे यूज़ करना है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, जो मेरी पैकिंग डेट मुझे चेक करनी है उसका ये एक स्टैंडर्ड दिया हुआ होगा किस किस तरह से मेरी डेट पड़ी हुई होगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ इस पर डेट पड़ी हुई है जो आपको D दिख रहा होगा डेट, उसके बाद होगा B W। फ्रेंड्स जो आपको W दिख रहा होगा ये मेरा B होगा उस पर। फ्रेंड्स मैं भी ऐसे दिखाऊंगा। उसके बाद M फ्रेंड्स मंथ होगा, मंथ लिखा हुआ होगा किस महीने की बनी हुई है। एंड फ्रेंड्स इसके बाद ईयर लिखा हुआ होगा जो बाई लिख रहा होगा, बाई के बाद ईयर लिखा हुआ होगा किस साल की बनी हुई है। एंड फ्रेंड्स ये मेरी फ्लाई एस बेस्ड है तो इस पर परसेंटेज ऑफ फ्लाई एस लिखा हुआ होगा कि फ्लाई एस की परसेंटेज कितनी है। एंड फ्रेंड्स उसके बाद लिखा हुआ होगा कि मेरी इसमें किस MRP की सीमेंट है, मतलब कितने रुपए का ये मेरा बैग हमें परचेज़ होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसका जो मेरा लिखा हुआ होगा पैकिंग डेट, तो पैकिंग डेट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये आपको ब्लैक कलर में ये मोहर टाइप की जो लगी हुई है ये दिख रही होगी बड़ी सी लंबी सी लाइन में। फ्रेंड्स यही मेरी क्या है पैकिंग डेट है। तो फ्रेंड्स पैकिंग डेट में आपको DM W by FA MRP ये सारा कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। जो फ्रेंड्स ये वाली जो डिटेल है फ्रेंड्स, ये वाली डिटेल वो वहाँ पे लिखी हुई है प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे जो मेरी D लिखी हुई है फ्रेंड्स, D मीन्स डेट, डेट है मेरी 12। फ्रेंड्स आपको देख रही होगी 12 तारीख की है फ्रेंड्स सीमेंट बनी हुई है। एंड फ्रेंड्स W का है कि 24 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये 24 में वीक की है। एंड फ्रेंड्स मंथ क्या है 6 जून की है फ्रेंड्स, जून में ये बनी हुई है 24 जून की। फ्रेंड्स एक महीने में क्या होते हैं फ्रेंड्स 4 वीक होते हैं, तो फ्रेंड्स ये 24 में वीक की है। एंड फ्रेंड्स बाई के आगे 20 लिखा हुआ 2020 के, फ्लाई एस का परसेंटेज इसमें 25% आपको दिख रहा होगा। एंड MRP है फ्रेंड्स इसकी RS कितना 445 रुपये। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे D 12 W 24 मतलब वीक 24वां। एंड फ्रेंड्स मंथ क्या है 6 मेरा मतलब जून, जून 24 में वीक में। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ईयर कितना हो गया मेरा 2020 प्लस 25% और मेरा 445 रुपये की ये मेरी सीमेंट का पैकेट आएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वी हैव टू चेक द वेट ऑफ एनी वन ऑफ बैग ऑफ सीमेंट। फ्रेंड्स जो मेरा सीमेंट आती है साइट पे फ्रेंड्स, सीमेंट का जो एक लॉट लगता है उस लॉट में से हम कोई एक बैग निकालेंगे। जो मेरा 50 किलोग्राम का बैग होता है मैं एक बैग निकालूंगा और उसे क्या करूंगा उसका वेट करूंगा। फ्रेंड्स जो मेरा वेट है वो 50 किलोग्राम ही होना चाहिए फ्रेंड्स, प्लस माइनस, प्लस तो होगा ही नहीं माइनस ही होगा। तो वो मेरा 100-200 ग्राम, 100 से 200 ग्राम क्या हो सकता है, कम हो सकता है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा कम है तो उसमें फ्रेंड्स सीमेंट के बैग में गड़बड़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसलिए क्या करना है आपको, एक या दो बैगों का वेट करके देखना है जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि हाँ बैग में जो सीमेंट है वो पूरी सीमेंट मेरी आई हुई है और बीच में गड़बड़ नहीं हुई। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है मेरा
सीमेंट कलर शुड भी यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, जब हम सीमेंट के कलर का टेस्ट करने आते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सीमेंट कलर, टेस्ट ऑफ सीमेंट कलर। हम सीमेंट के टेस्ट का कलर टेस्ट करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, जब हम सीमेंट को लेंगे तो फ्रेंड्स सीमेंट का जो हमने सीमेंट का बैग खोला, बैग में से सीमेंट निकाली कहीं से भी, तो फ्रेंड्स जो सीमेंट का जो टेक्सचर है वो हर जगह मुझे सेम सेम दिखना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स यूनिफॉर्म होना चाहिए मेरा उसका कलर। एंड फ्रेंड्स आपको फोटो में दिख रहा होगा सीमेंट का कलर, जो मेरी सीमेंट का जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीनिश ग्रे मेरी सीमेंट का कलर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सीमेंट का कलर दिख रहा होगा, मैंने सीमेंट अपने हाथ में ली है, तो फ्रेंड्स ये एकदम आपको यूनिफॉर्म दिख रहा होगा, कहीं से भी अलग अलग कलर नहीं दिख रहा होगा। एंड फ्रेंड्स यही मेरा सीमेंट का ग्रीनिश ग्रे कलर होता है। फ्रेंड्स ये मेरा सीमेंट का कलर है जो एकदम यूनिफॉर्म है और मेरा ग्रीनिश ग्रे कलर है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है थ्रस्ट योर हैंड इन टू द सीमेंट बैग, इट मस्ट गिव यू ए कूल फीलिंग। फ्रेंड्स इट मीन्स जो मेरा सीमेंट का बैग है, सीमेंट का बैग मैंने खोला, तो फ्रेंड्स सीमेंट के बैग में जब मैं अपना हाथ डिप करूँगा तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉर्मली जो मेरा एटमोसफेयर में जो मेरा हाथ है, जो आपको फील हो रहा होगा किस तरह मुझे फील हो रहा है जब मैं सीमेंट के बैग में अपने हाथ को डिप करूँगा फ्रेंड्स, तो उस टाइम मुझे कूलनेस की फीलिंग आनी चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि जो टेम्परेचर से मैंने हाथ उसमें डिप किया है अपने सीमेंट बैग में, तो मेरे सीमेंट के बैग में मुझे कुछ ठंडक का अनुभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी जो सीमेंट है वो ठीक है, वरना उसमें मिलावट है। अगर यदि कूलनेस का मुझे फीलिंग नहीं आई तो फ्रेंड्स सीमेंट मेरी बेकार, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैंने सीमेंट पर अपना हाथ डिप किया, कम सीमेंट है तो फ्रेंड्स मेरी फिंगर्स जा रही हैं उसमें, तो फ्रेंड्स मेरी फिंगर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कूल स्थान पर मैंने मेरी अपनी फिंगर्स डाली हुई हैं, तो फ्रेंड्स एकदम कूल लग रहा है, तो फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड सीमेंट ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक ए पिंच ऑफ सीमेंट, टेक ए पिंच ऑफ सीमेंट एंड फील बिटवीन द फिंगर्स, इट शुड गिव ए स्मूथ फीलिंग। इट मीन्स फ्रेंड्स क्या करूँगा मैं, जो सीमेंट होगी मेरी सीमेंट लूँगा थोड़ी सी चुटकी में ऐसे, तो फ्रेंड्स मैं इस तरह उसे रगड़ के देखूँगा फिंगर्स के बीच में इस तरह, तो मुझे क्या होना चाहिए स्मूथनेस, मुझे बिल्कुल भी रगड़ने में रफनेस नहीं लगनी चाहिए, स्मूथनेस लगनी चाहिए। अगर यदि स्मूथनेस लग रही है तब तो मेरी फ्रेंड्स सीमेंट ठीक है, अगर यदि थोड़ी भी रफनेस लगी तो सीमेंट में मिलावट है फ्रेंड्स, उस सीमेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने सीमेंट ले ली है, फ्रेंड्स मैं अब सीमेंट को रगड़ रहा हूं, तो फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल स्मूथनेस लग रहा है, मुझे कुछ भी रफनेस इसमें नहीं लग रही है फ्रेंड्स। इसमें मुझे रफनेस लगती तो फ्रेंड्स ये बेकार होती, मैं इस सीमेंट को यूज़ नहीं करता फ्रेंड्स। मुझे रगड़ने पर बिल्कुल चिकनाहट का महसूस हो रही है, बिल्कुल स्मूथ लग रही है, मेरे हाथ में रफनेस बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो फ्रेंड्स ये मेरी सीमेंट बिल्कुल ठीक है और मैं इस सीमेंट को यूज़ कर सकता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन सीमेंट एक्सपोज टू मोइस्ट एयर, इट मींस जो मेरी सीमेंट है अगर यदि जो नम वायु होती है मेरी, नम वायु ठंडी वायु उसके संपर्क में आती है तो क्या होता है, स्मॉल लम्स आर फॉर्म्ड। जो छोटे छोटे डेले देखे होंगे फ्रेंड्स आपने, जो छोटे छोटे डेले बनते हैं वो फ्रेंड्स क्यों बनते हैं, जो मेरी सीमेंट होती है अगर यदि ठंडी वायु के संपर्क में आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीमेंट वायु से क्या करती है, हाइड्रेशन रिएक्शन करती है, जिससे जो सीमेंट के छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, डेले बन जाते हैं फ्रेंड्स। डेले बन भी गए तो उसके बाद में मुझे चेक करना है डेले बनने के बाद भी सीमेंट ठीक है या नहीं, तो उसके बाद में क्या करना है, इन द सीमेंट इफ़ इट इज़ नॉट ब्रोकन, फ्रेंड्स जो मेरे लम्स डेले बने हुए हैं अगर यदि वो नहीं टूट रहे हैं बाय द प्रेशर ऑफ थम्स, मैं अंगूठा से ऐसे अगर यदि उन लम्स को दबाऊंगा, अगर यदि वो नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर वो टूट नहीं रहे हैं दबाने से, तो सीमेंट सेट हो चुकी है। और सीमेंट का फ्रेंड्स एक बार हाइड्रेशन होने के बाद, सेट होने के बाद आपको पता है दोबारा हाइड्रेशन नहीं होता, तो इसलिए हम इस सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। सच सीमेंट इज़ कंसिडर्ड बैड और वेस्टेज, फ्रेंड्स ये खराब सीमेंट मानी जाती है, वेस्टेज मानी जाती है, हम इसको किसी भी कंडीशन में यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने सीमेंट लिया, इस सीमेंट में बिल्कुल भी डेले हैं नहीं फ्रेंड्स, डेले होते तो मैं फोड़ के देखता, अगर फूट जाते तो सीमेंट ठीक होती फ्रेंड्स, डेले अगर नहीं फूटते तो सीमेंट बेकार होती, ये सीमेंट बिल्कुल ठीक है, इसे मैं यूज़ करूँगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट, फ्रेंड्स एक सीमेंट के बैग में से मैं मुट्ठी भर सीमेंट निकालूंगा एंड थ्रो इट ऑन ए बकेट।
full of water. The particles should float for some time before they sink. तो फ्रेंड्स ये इट मीन्स मैं क्या करूँगा, सीमेंट के बैग में से एक मुट्ठी भर, हाथ भर, हैंडफुल, मुट्ठी भर क्या लूँगा, सीमेंट लूँगा और उसे एक भरी हुई पानी की बाल्टी में उस सीमेंट को जब मैं डालूँगा तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जो उसके जो मेरे पार्टिकल हैं सीमेंट के वो उस बकेट पे क्या नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, तैरने नहीं चाहिए, वो क्या हो फ्रेंड्स, बैठ जाएँ, डिप हो जाएँ, तुरंत सिंक हो जाएँ। तो फ्रेंड्स मेरी सीमेंट अच्छी है, अगर यदि फ्रेंड्स वो डिप नहीं होता, तैरते रहते हैं, तो फ्रेंड्स वो मेरी सीमेंट क्या है, बेकार है, अस्वीकार्य है, इसे हम सीमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको, अगर यदि सीमेंट आपकी साइट पर एक बाल्टी में पानी भरनी है, पानी भरने के बाद सीमेंट थोड़ी सी लो और उस पानी में डाल दो, अगर पानी में वो तुरंत बैठ जाती है, उसके पार्टिकल फ्लोट नहीं करते हैं तब तो वो ठीक है, अगर यदि फ्लोट करते हैं तो सीमेंट बेकार है, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैं अब बाल्टी भर के पानी लिया हुआ है, इसमें अब सीमेंट डालूंगा। फ्रेंड्स मैंने सीमेंट डाली तो देखिए फ्रेंड्स सीमेंट तुरंत पानी में नीचे बैठ गई एंड फ्रेंड्स ये मुझे पार्टिकल दिख रहा है। इसी तरह अगर पार्टिकल मुझे कई सारे तैरते हुए दिखे तो मेरी सीमेंट ख़राब होगी एंड फ्रेंड्स देखिए सारे पार्टिकल मेरे तुरंत पानी में नीचे श्रिंक कर जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं। तो ये यो मेरी सीमेंट है, बिल्कुल ठीक सीमेंट है फ्रेंड्स, इस सीमेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ एंड फ्रेंड्स अगर ये मेरे पार्टिकल इस सरफेस पर तैरते हुए दिखते तो मैं इस सीमेंट को यूज़ नहीं करता। तो फ्रेंड्स मेरी अच्छी क्वालिटी की सीमेंट है, इसी तरह आपको सीमेंट का वाटर टेस्ट करना है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक ए 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड पुट ऑन स्टील प्लेट एंड हीट इट ऑन हीटर फॉर 20 मिनट। इफ़ द सीमेंट चेंज इट्स कलर वेन द सीमेंट इज इम्प्योर। इट मीन्स फ्रेंड्स हम 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसे एक स्टील की प्लेट पर रखेंगे, स्टील की प्लेट पर रखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसे हीटर पर 20 मिनट तक गर्म करेंगे सीमेंट को। अगर यदि फ्रेंड्स सीमेंट अपना कलर बदलती है तो मेरी सीमेंट क्या है, इम्प्योर है फ्रेंड्स, मेरी सीमेंट क्या है, इम्प्योर सीमेंट है। उस तरह की सीमेंट को हम यूज़ क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मेरी मिलावट है एंड फ्रेंड्स अगर यदि सीमेंट ने अपना कलर नहीं बदला तो मेरी सीमेंट ठीक है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं एंड फ्रेंड्स अगर यदि आप दोबारा वेट करोगे तो उसका 4% तक वेट कम हो सकता है फ्रेंड्स, गर्म करने पर हल्का बहुत अपना जो वेट है वो लॉस कर देती है मेरी सीमेंट एंड फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है नमा पॉइंट। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये तीन तरीके से मैं साइट पर परफॉर्म करता हूँ, एक मैंने लिखा हुआ है, बाकी के दो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को टिल एंड देखिए। तो टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। फ्रेंड्स 100 ग्राम लगभग मुझे सीमेंट लेनी है एंड फ्रेंड्स एक थोड़ा सा क्या लेना, पानी लेना है एंड मेक ए स्टिप पेस्ट, एक गाढ़ा सा मुझे अच्छा सा एकदम गाढ़ा, बहुत गाढ़ा वाला क्या बनाना है, सीमेंट का पेस्ट बनाना जो बहेना एंड फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टिप पेस्ट, इस पेस्ट से क्या करना है मुझे, मेक ए केक विद शार्प एजेस। फ्रेंड्स एक केक बनाना है गोल गोल, उसके एजेस कैसे होने चाहिए, एकदम शार्प, पौने तीखे होने चाहिए, जैसे आपको दिख रही हो कि हाँ इसके एज बने हैं एंड पुट ऑन इट ए ग्लास प्लेट, उसे फिर एक मैं ग्लास के प्लेट पर रखूँगा एंड स्लोली धीरे धीरे मैं इसे लूँगा एंड इट अंडर वाटर इन ए बकेट, एक बाल्टी में इसे डालूँगा और उसे कहाँ तक ले एंड सी द शेप ऑफ दिस केक नॉट डिस्टर्ब। फ्रेंड्स मैं देखूंगा जब पानी में थोड़ा सा उसे डिप करूंगा तो उसकी जो शेप है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, बिगड़ नहीं रही है। उसके बाद क्या करूंगा, बाइल टेकिंग इट डाउन टू बॉटम ऑफ द बकेट, फिर उसे मैं जो मेरी पानी से भरी हुई बाल्टी है उसके बॉटम पे ले जाके रख दूंगा एंड आफ्टर 24 आवर्स द केक शुड रिटेन इट्स ओरिजिनल से। फ्रेंड्स मैं जब उसे 24 घंटे बाद देखूंगा तो उसकी जो शेप है वो एकदम ऐसी ही मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या समझूंगा, मेरी सीमेंट अच्छी है एंड फ्रेंड्स इट शुड ऑल्सो सेट हो चुकी है एंड उसने कुछ स्ट्रेंथ गेन कर ली है। फ्रेंड्स अगर इसे ही मैं दूसरी तरह से, जो सीमेंट अगर यदि आपके पास केक नहीं बना पा रहा है तो क्या करना है, आपको एक छोटा सा कांच का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, उस पर क्या करना, थोड़ी सी सीमेंट लेनी है, उसका पेस्ट बनाना, उसे क्या कर देना, उस पर लगा देना, उस पर इस तरह आपने लगा दिया फ्रेंड्स, लगाने के बाद क्या करना है, उसे थोड़ा सेट होने देना, सेट होने के बाद मैं क्या कर दूंगा, उसे किसी बाल्टी में क्या कर दूंगा, 24 घंटे के लिए उसे 24 आवर्स के लिए मैं डाल दूंगा किसमें, एक बकेट में फ्रेंड्स, बकेट में डाल दूंगा मैं 24 घंटे के लिए इसको। तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो 24 घंटे उसमें पड़ा रहेगा, तो अब जब मैं 24 घंटे बाद उसे आगे देखूंगा तो जो मेरी कांच की प्लेट पर वो सीमेंट जमी हुई है फ्रेंड्स, उसकी एक लेयर बन गई होगी, उसको मैं देखूंगा तो एक तो मुझे स्मूथ मिलनी चाहिए, दूसरा मैं उसे छटा के देखूंगा तो छुट जाएगी वो, और मैं उसकी टेस्ट करूंगा, उसकी जो सरफेस है वो अच्छी खासी है।
तो फ्रेंड्स मैं उसे देख सकता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। अगर यदि कुछ उसको इफेक्टेड हुआ तो मेरी ख़राब सीमेंट उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। एंड फ्रेंड्स मैं इसका थर्ड जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, थर्ड प्रोसेस वो क्या है फ्रेंड्स, वो प्रोसेस है मेरा, मैं थोड़ी सी सीमेंट लूँगा और उसका क्या बनाऊँगा, पेस्ट बनाऊँगा। पेस्ट से क्या करूँगा फ्रेंड्स, 75 mm डाया का, एंड फ्रेंड्स 75 mm डाया का एंड 15 mm थिक, मीन्स 15 mm मोटी, ये क्या बनाऊंगा, एक क्या बनाऊंगा, टैबलेट बनाऊंगा, गोली बनाऊंगा सीमेंट की। उसके बाद क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं 24 घंटे के लिए बैठ के लो गीले कपड़े में, फ्रेंड्स गीले कपड़े में उसे 24 घंटे के लिए क्या कर दूंगा, मैं रख दूंगा। 24 घंटे बाद उसे निकालूंगा। एंड फ्रेंड्स 6 घंटे के लिए मैं क्या करूंगा, बॉयल वाटर में उसे डिप करूंगा 6 घंटे के लिए। उसके बाद में उसकी क्या करूंगा, सरफेस टेस्ट करूंगा फ्रेंड्स 24 घंटे बाद। तो मैं देखूंगा जो मेरी सरफेस है उस पर मकड़ी कैसी, जो मकड़ी होती है वो अपनी लकीर छोड़ देती है, उस तरह की हल्की हल्की लाइनिंग ना हो। एंड फ्रेंड्स अगर यदि वो हैं तो मेरी सीमेंट क्या ख़राब है, अगर यदि नहीं हो तो मेरी फ्रेंड्स क्या है, जो सीमेंट है एकदम अच्छी है। एंड फ्रेंड्स जो मेरी सरफेस है उस पर क्रैक्स वगैरह नहीं है, अगर यदि नहीं है तो फ्रेंड जो मेरी सीमेंट है अच्छी है। फ्रेंड्स इन तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको साइट पर सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, उस तरीके से आप सीमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये आपको प्रोसीजर सीमेंट बैग के साथ करना ही करना है। जब आप फ्रेंड्स इन कंडीशंस को अप्लाई कर लेंगे अपनी सीमेंट पे, तो देखेंगे आपकी सीमेंट किस तरह की है, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आप सीमेंट को यूज़ करने जा रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स सीमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है A to Z तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को फैला दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।